ध्यान से सुनिएगा, आपने साइकिल की चोरी सुनी होगी, मोटरसाइकिल की चोरी सुनी होगी, लेकिन आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं, जो आपको बताने जा रहा हूं, वो आपके होश उड़ा देंगे। आइए उसकी मैं पूरी जानकारी आपको दूं, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, मैं हूं अबुल्लैश इरम और आप देख रहे हैं उजागर मीडिया। चलिए अब मैं आपके ध्यान उस ओर आकर्षित करता हूं जिस चीज को मैं यहां पर कवर करने के लिए आया हूं। यहां पर से एक ट्रैक्टर की चोरी हुई है। थोड़ा अचंभित हो रहे होंगे आप कि ट्रैक्टर कैसे चोरी हो सकता है। बिल्कुल, यहां पर एक ट्रैक्टर चोरी हुआ है और चोरी हुए हुए लगभग 15 दिन हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कहां यह चोरी हुई है, तो वो चीज मैं आपको बताता हूं। भागलपुर जिले का एक तारण जो कि सनहौला थाना अंतर्गत आता है, यहां पर रोड के साइड में एक ट्रैक्टर लगा के ड्राइवर ने रखा। रात में वो जाके अपने घर में सो गए। फिर जब 11 बजे तक ट्रैक्टर उसके दरवाजे पर थी, लेकिन जब वो फिर रात सुबह जगते हैं तो देखते हैं कि ट्रैक्टर गायब है। अब ट्रैक्टर तो वो चीज है नहीं कि आप देखिए इस गली में कहां ले आके रखेंगे। रूम ट्रैक्टर के लिए तो कोई रूम ये बना नहीं सकते हैं, और इतना बड़ा घर भी नहीं है कि ये लोग ट्रैक्टर को जाके घर में पैक करके गेट लगा के रखेंगे। चोरों ने इसका फायदा उठाया, रोड पे ट्रैक्टर लगी हुई थी और ट्रैक्टर को ही गायब कर दिया, और अभी तक कोई पता नहीं है। आइए मैं ड्राइवर से मिलकर जानने की पूरी कोशिश करता हूं ये घटनाक्रम कब की है, कब हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। मोहम्मद निसार। मोहम्मद निसार साहब ये इस ट्रैक्टर के ड्राइवर थे। इन्होंने इस ट्रैक्टर को अपने रोड के बगल में अपने दरवाजे के सामने लगा के रखा था। हुआ क्या, जब ये सुबह जगते हैं तो आपको ट्रैक्टर नहीं मिलता है। पूरी घटना की जानकारी दीजिएगा, क्या क्या कैसे हुआ था। टेलर यहाँ जो है 6 तारीख सोमवार दिन था, ठीक है। रात में 11 बजे हम उठ के आए, गाड़ी था यहाँ, उसके बाद फिर गाड़ी जो मेरा पार हो गया। सुबह उठ के आए, देखते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, गाड़ी खत्म। हाँ, गाड़ी खत्म। फिर आप लोगों ने क्या क्या छानबीन किया होगा? उसके बाद छानबीन मालिक को फोन किए, ठीक है। उसके बाद हम लोग दिमाग अटाते हम 3 गो छोड़ा यहाँ हेती आता था। यहाँ 3 गो लड़का यहाँ आता था। हाँ। कब आता था? हेती 1 हफ्ता से आ रहा था यहाँ। 1 हफ्ता से रोज आ रहा था, सांझ भी आ रहा था, अभियान भी आ रहा था। हाँ। और यहाँ हेती अगल अगल घूम उम के सारा एरिया हिला लिया, और जो दिन गाड़ी चोरी हुआ इनसे गुम है। एक चीज यहाँ पर समझने वाली बात है कि जैसे ये कह रहे हैं कि 3 लड़के यहाँ पर आते थे रोज शाम में आकर इसी दुकान के पास, चॉकलेट बिस्कुट चाय पान सिगरेट गुटखा खाते थे, नाश्ता करते थे, और पूरा जैसा इनका कहना है कि पूरा आइडिया वो लोग ले लिए। उसके बाद से जिस दिन से ट्रैक्टर चोरी हुई है उस दिन से उस 3 लड़के ने आना यहाँ पर बंद कर दिया है। फिर क्या हुआ? फिर उसके गाँव में हम पता किए तो उस लड़के को पहचानते थे। उसको पहचानते थे, उसको खोजबीन किए तो कहा आदमी तो किया घर चोर है, अभी इधर हाल में जेल से छूट गया है बात चोरी में वो। अच्छा, वो जो अभी छूट गया इधर हती हाल में और छूट गया यार ये यहाँ ऐसा काम। मतलब जो लड़का यहाँ पर आता था वो उस लड़के में से लड़के लोग जेल में भी रह चुके हैं, वो भी चोरी के ही मामले में, चोरी के है बात चोरी में वो है बात चोरी में। फिर आप लोगों ने क्या किया? फिर उसके जो थाना में बोले एफआईआर किए, उसके थाने में एफआईआर थाना में। हाँ, थाना कहते हैं तो बोलता है कि हम तो हरदम मत छानबीन करते हैं, लेकिन घर से फिरा रहे वो। सोचिए अब यहाँ पर एक दिमाग लगाने की जरूरत है कि जो लड़का यहाँ पर आया करता था, जिस लड़के के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, इनका कहना है कि वो पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं, तो इनको जैसे शक हुआ तो इन्होंने थाने में कंप्लेन दर्ज करवाई। अब क्या स्थिति है कि वो जब थाने के जो पुलिस है प्रशासन है वो उनके घर पर दबाव डालती है उस लड़के को छानबीन करने के लिए, पकड़ने के लिए, बयान लेने के लिए, तो वो लड़का घर से फरार है। ये फरार है, तीनों लड़का फरार है। तीनों फरार है। कितने तारीख को ट्रैक्टर चोरी हुआ था? 6 तारीख को सोमवार दिन था, 6 को सोमवार दिन था सर। 6 तारीख को चोरी हुई है, अभी तक ट्रैक्टर का कोई पता नहीं चल रहा है, और प्रशासन भी अगर कोशिश कर रही है तो अभी तक प्रशासन भी उस 3 लड़के को पकड़ने में पूरी तरीके से विफल है। प्रशासन अच्छा से उस पर ध्यान नहीं दे रहा है सर। प्रशासन जो ध्यान देगा तो 1 दिन में अंदर होगा और गाड़ी मेरा ऊपर हो जाएगा। गाड़ी की कितनी कीमत होगी ट्रैक्टर? गाड़ी कम से कम 3-4 लाख। 4 लाख का सामान इस गरीब आदमी के दरवाजे पर से निकल चुका है, माथा पे हेडेक हमरे हुआ हुआ, जबकि एक ड्राइवर ही ऑनर भी नहीं है। बोलिए गरीब आदमी हम बैठे हुए हैं, 20 दिन से क्या खाएंगे हम, बताइए क्या कमाएंगे? अब उलझन है, माथा पे उलझन को हेरेंगे किसको हेरेंगे? सही बात है। प्रशासन के पास जब पुलिस के पास थाने में जाते हैं तो उनसे आप लोग रिक्वेस्ट नहीं करेंगे जल्दी कीजिए? थाना में गए 2-3 बार, कहा कि आज तो गए थे वहाँ, चला भाग गया है, मिलिए नहीं रहा, मिलिए नहीं रहा। उसका मोबाइल उबाइल ऊपर करेगा
अंबर उम्बर तभी ना उसे हाँ, उसके घर में भी दबाव बना के उसको उसके घर पे कोई दबाव होगा तभी ना कुछ होगा सर। खाली जाने आने से क्या होगा, हमारा चीज चोरी हुआ, हम गरीब आदमी बर्बाद हो रहे, क्या खाएंगे, चर्चर को बुतरू है क्या खाएंगे हम लोग बताइए। बिल्कुल सोचने की बात है कि एक गरीब आदमी जो कि एक ड्राइवर थे, इनके दरवाजे पर से गाड़ी चोरी हो गई है, पर साल से यहाँ पे गाड़ी है, 5 साल से उसका गाड़ी यहीं पे है, यहीं पर हमेशा रहता है, कभी नहीं कुछ हुआ आज तक। और वो एक हफ्ता के अंदर में सारा आइडिया हमारा घर पर सब उठा है, एहतियात जाके कहाँ पे इसका घर है, कहाँ पे सारा आइडिया मिला लिया है। और ऐसा कौन किया है, वो रात में सांझ में भी आता था, भोर में भी आता था, 8-9 बजे कायल यहाँ आता था मादर चौधरी, बताइए सर है कायल यहाँ आता था। तो उसका घर कहाँ, पक्की सराय घर है, यहाँ आता था पक्की सराय का, वो तीनों लड़का जो था पक्की सराय घोगा के पास, हाँ पक्की सराय का वो आदमी है, छोड़ा 3 गो है। जब पूरी तरीके से आरोपी को चिन्हित किया जा चुका है, सारा शक उसके ऊपर है, तो फिर प्रशासन इतनी देर क्यों कर रही है, फोटो और से खींचे हैं और वो जो हत्या हो गया, फिरार हो गया यहाँ से, देखिए फोटो भी है उसका। अब और क्या प्रूफ चाहिए प्रशासन को कि जब घर वाले ट्रैक्टर वाले वो दे रहे हैं कि यहाँ फोटो भी है, देखिए यहाँ पर दिखाइए हमारे कैमरामैन ये लड़के, देखिए एक फोटो है और इसके पास देखिए नीचे लटका हुआ ढेरों तरह के चाबी भी है। अब और क्या चाहिए प्रशासन को किसी आरोपी को पकड़ने के लिए, एक गरीब परिवार यहाँ पर भुगत रहा है, गाड़ी इनकी नहीं थी, ये ड्राइवर थे, इनके घर के गाड़ी लगी हुई थी सामने में और ड्राइवर गाड़ी चोरी हो जाती है, ये लोग पूरा कुलू दे रहे हैं कि 3 लड़के यहाँ पर आते थे, वो तीनों लड़के पहले भी इस चोरी के आरोप में जेल जा चुके हैं, तो प्रशासन को अब वहाँ पर टाइट होकर एक्शन लेना चाहिए था, उसके घर पर दबाव बनाकर जैसे भी हो प्रशासन को उसको पकड़िए और इस गरीब को कम से कम इंसाफ दिलवाइए। एक ट्रैक्टर चोरी होना समझ रहे हैं आप, कहाँ रखेगा ट्रैक्टर, ट्रैक्टर तो घर के सामने ही रखते हैं लोग, दरवाजे पे रखते हैं, रोड के साइड में रखते हैं, अब ट्रैक्टर भी चोरी होने लगा है, कुछ दिन ऐसे ट्रक भी लेके भाग जाएंगे, जहाज भी चोरी हो जाएगा, तो फिर प्रशासन क्या कर रही है, प्रशासन करके प्रशासन इसी चीज के लिए तो होती है ना, ठीक है चोरी हो गया लेकिन आप उसके बाद का जो मामला होता है उसको जल्दी से जल्द रफा कीजिए, 15 दिन हो चुके हैं और ये आदमी पूरी तरीके से परेशान है, इनका ये बैठ चुके हैं, इनका कहना है कि 4 हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं दूसरे की गाड़ी चलाता था लेकिन फिर अभी तक हमारे घर में, अब हम क्या खाएंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, ये आरोप है इनका। क्या नाम आपने बताया था, निसार अहमद, मोहम्मद निसार। और कुछ बताइए, और क्या बताएं सर, गाड़ी हमारा किसी तरह से ऊपर हो जाए इसी में हम खुशी हैं सर। कौन सी गाड़ी थी आपकी, सुराज था 35, हाँ सुराज 35, हाँ। गाड़ी का नंबर BR10G7368 सुराज कंपनी की ये गाड़ी थी, कलर कौन सा था, ब्लू उजला था, ब्लू और उजला जो नॉर्मली चलता है ज्यादातर वही कलर था, BR10G7368 सुराज कंपनी की गाड़ी, ब्लू और व्हाइट कलर की और उसमें डाला लगा हुआ, सोचिए हाय रे ससुराल, चोर का देखिए हिम्मत देखिए कि घर के सामने से ट्रैक्टर और डाला उठा के लेके भाग जा रहे हैं रात में, ये चोर नहीं है तो बड़े शातिर चोर होंगे शायद, और यहाँ पर आके उन्होंने 7 दिन तक रेकी भी की जैसा ये कह रहे हैं कि वो रोज आते थे, अभी वो घर से फरार हैं, पुलिस उनके घर पर दबाव बना रही है लेकिन अभी तक वो नहीं आया है अपने घर, पहले भी वो लड़का तीनों जो है जेल में रह चुका है, सबसे बड़ी बात तो ये है, और वो भी चोरी के आरोप में हाइवा चोरी किया था उस बार उसने, हाइवा जो कि एक ट्रक होती है, हाइवा को भी चोरी किया था, अब ट्रैक्टर, हाइवा चोरी भी करता है, छीन छोर भी करता है, हीरो हंडा भी उड़ाता है, हर काम में करता है सर, कुछ भी उड़ा देगा, वो मोटरसाइकिल भी चोरी करता है, वो सारा काम करता है, जुआ भी खेलता है, 2-3 अड्डा उसका मामा होता है जुआ, गाड़ी उड़ाता है, बेचता है और आगे खेलता है, जुआ खेलता है वो। मतलब कहने का यही साफ है कि जिसके ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं वो बहुत शातिर किस्म के आदमी हैं, गाड़ी जैसा ये कह रहे हैं कि गाड़ी चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, हम लोगों को पूरा तरीके से उसी पे ये है कि नहीं डाउट है कि वो उन्होंने ही ऐसा काम किया है, लेकिन प्रशासन पूरी मुस्तैदी नहीं दिखा रही है, प्रशासन को अब तक उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था लेकिन अभी तक वो गिरफ्त के बाहर है और खुली हवा में सांस ले रहा है, ये स्थिति है। मैं बताऊँ कहाँ ट्रैक्टर चोरी हुई है, तो भागलपुर जिला का सनहौला थाना के अंतर्गत आने वाला ताड़ जहाँ की एक कॉलेज है, इस चीज की वजह से ये मशहूर गांव है, यहाँ पर ताड़ गांव के अंदर निसार अहमद के दरवाजे पर एक ट्रैक्टर लगी हुई थी, शातिर चोरों ने आकर ट्रैक्टर को रात में डाला सहित उठाकर लेके चले गए, गाड़ी का नंबर है BR10G7368। और क्या बोल रहे सर आप, यही उसका फोटो है,
रख लीजिए। ये अब और क्या क्लू देगा? अगर जिन पे शक होता है लोगों को, तब और क्या क्लू देंगे? फोटो दे रहे हैं, गांव का एड्रेस दे रहे हैं, लड़का का नाम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी ये अभी तक गिरफ्त से बाहर है। सोचिएगा, एक अजीब तरह की घटना देखने को मिली है। हमने ढेरों ऐसी बार सुना था कि मोटरसाइकिल मार्केट से चोरी हो गया, लेकिन ट्रैक्टर की घटनाएं बहुत कम ही सुनने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर अजीब हुआ है। ट्रैक्टर, फुल ट्रैक्टर कहाँ पर हुआ था? हमारे कैमरा मैन जरा दिखाइएगा, ये इनका घर है, जरा हटिएगा आप लोग, वो देखिए, वो पेड़ के पास वो ट्रैक्टर लगी हुई थी, वहीं पर ट्रैक्टर लगी हुई थी, वहीं पर से उठाकर लेके चोर जो है लेकर जा चुके हैं उस ट्रैक्टर को, और ट्रैक्टर के मालिक, ट्रैक्टर के ड्राइवर पूरी तरीके से परेशान है। ये ताड़ गाँव में ऐसी घटना देखने को मिली है, आप सोच सकते हैं। और भी कुछ लोग हैं क्या चाचा? कितने दिन हो गया ट्रैक्टर चोरी होने से? सोमवार दिन था, 6 तारीख तक, 6 तारीख को चोरी हुआ था। अभी तक प्रशासन कुछ किया नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया प्रशासन, बोलवो करता है तो कहता है जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कभी सुने थे कि ट्रैक्टर भी चोरी हुआ? कभी नहीं, 4-5 साल से यहाँ रह रहा है। सोचिए, बिल्कुल घटना थोड़ी अजीब है, ट्रैक्टर चोरी हो, इतनी बड़ी, इतना बड़ा चीज, इतना बड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी, और ओनर का 8-9 साल यहाँ रखे, कभी नहीं कुछ हुआ है। इसके हवाले 8-9 साल एक ओनर का और यहाँ था, आज तक कुछ हो भी नहीं किया है जमीन का था वो। गाड़ी को और आज ऐसा हो गया घटना। बिल्कुल, ये बेचारे, इनके ऊपर एक दबाव, एक ट्रैक्टर के ड्राइवर की क्या आमदनी है? 300-400 रुपया इस 250 रोज कमाते हैं सर, जो दिन काम होगा उस दिन हमको भी होगा, नहीं होगा तो हमारा भी नहीं होगा। बोलिए, अखनी बैठे हुए क्या खाएंगे हम? कुछ खेती नहीं होती, कुछ नहीं है हमको सर, क्या खाएंगे हम बताइए। प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से क्या अपील करेंगे? प्रशासन से यही करते हैं हमको, किसी तरह हमारा उलझन को है तो ऊपर कीजिए सर, हमारा गाड़ी खोज दीजिए, इतने हमको कहना है। दबाव भी हमारे ऊपर पे आ रहा है, अरे ब्रेक का हाथ होगा, अरे ब्रेक का हाथ होगा, 20 साल से गाड़ी हम चला रहे हैं, आज तक पूछिए समाज में कैसा आदमी हमें सर, लेकिन ओनर है आज तक अभी हमको कुछ नहीं बोला है, लेकिन अगल बगल का आदमी कुछ से कुछ मतलब आपके ओनर जो है वो समझ रहे हैं बात को, हाँ वो आपको जानते हैं? हाँ, हमको जानते हैं, हमको ओनर अभी तक कुछ नहीं बोला है, बेचारा कि तुम ऐसा किया वैसा किया, उसको आदमी लोग तो जानते, चोरी होता है तो कुछ से कुछ बोलता है समाज का आदमी कि उसी का हाथ होगा, इसी का हाथ होगा, उसी को लाओ, ऐसे बोलता है सर। एक गरीब आदमी के ऊपर, और जो 200-250 रुपये कमाने वाले लोग हैं, ड्राइवर की जाति जो है कितना कमाएगी, 200-300-400 रुपये, इसके ऊपर दबाव बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, लोग उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, लेकिन उन सब चीज़ों से ये नज़रअंदाज होते हुए प्रशासन से ये अपील कर रहे हैं कि हमारी जो रोजी रोटी का साधन था, और वो भी ट्रैक्टर जो कि चोरी हो चुकी है, एक अजीब तरह की घटना, उसको जल्द से जल्द हमारे ट्रैक्टर को ढूंढें, और जो आरोपी हैं जिसको मैं ये क्लू दे रहे हैं पूरी तरीके से, ये उसको पहचानकर्ता के रूप में बता रहे हैं कि नहीं, वही लोग आते थे और यहाँ पर आके ट्रैक्टर का आसपास घूमते थे, यहाँ बैठते थे, पूरा व्यू लेके, उसके बाद जिस दिन से ट्रैक्टर चोरी हुई है वो तीनों शातिर चोर यहाँ आना बंद कर चुके हैं, तो प्रशासन अभी तक इतनी ढिलाई क्यों कर रही है? प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इस मामले को शॉर्ट आउट करें और आरोपी को गिरफ्तार करें। धन्यवाद, आप देख रहे थे उजागर मीडिया।